यार निकलते अपना सीन हो गया, इसमें टकरा गई यार अपनी बाइक और नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। नए वाला हिस्सा पूरा टूट गया यार, और ये पूरा गया, आगे का फ्रंट बच गया, लेफ्ट साइड ये थोड़ा मुड़ गया, रेस स्टार्ट नहीं हो रही है भाई, दिक्कत दे रही है। भाई अपनी बाइक गिर गई यार, और गाड़ी वाला साइड से निकला और हम घुस गए डब्बों में, और बाइक का नाश हो चुका है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है, स्टार्ट हो नहीं रही है, ये घिस गया अपना पीछे का, और ज़्यादा लगी नहीं है, हाथ वाथ में ही लगी है बस, बट बाइक अपनी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई नहीं भाई दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा यार। अभी बुलाया अपने पिकअप ट्रक और कॉल वॉल की थी, भाई भाई मिले थे अपने को, और भाई लिटरली इतनी सी सबर नहीं थी, बहुत कम स्पीड में बाइक चल रही थी, इतनी साइड में से ऐसे लेके गया ना गाड़ी वाला, और हमारी बाइक हुई डिसबैलेंस और हम घुस गए उस ड्रम में, और लगी ज़्यादा नहीं है, हाथ वाथ में लगी है, थोड़ा सा पैर में भी लगी है, चला जा नहीं रहा है हल्का फुल्का। तो बाइकर्स मिले थे एक दो, अभी उनसे बात बात करके पिकअप ट्रक मंगाया है, बाइक उठवाते हैं, ठीक करवाते हैं, और फिर आप लोगों को आगे मिलता हूँ। मूड खराब हो गया यार, वो भाई गाड़ी वाला रुका भी नहीं और चला ही गया सीधा, हम लोग घुसे और बस जो हुआ हो गया। बाकी वेट कर रहे हैं यार आ जाए, फिलहाल देखेंगे इसको वहीं जाके पैर वैर को। तो भाई आ चुकी है फाइनली अपनी टोइंग वाली गाड़ी, अब उठाते हैं इसको और रखते हैं अंदर। बाकी भाई बिल्कुल नहीं चला जा रहा, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा पैर में ना। मिट्टी में है ना, थे कर रहा था मैं, सोचा आ गया कि स्टार्ट करेंगे थोड़ा, और इतने में हो गया अपना एक्सीडेंट, और अपनी बाइक का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट उस साइड का ख़त्म हो चुका है, ये भी टूट चुका है प्लास्टिक का पीठे का, और स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हो गए जो होना था, अब लेके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैर वैर में लग गई है हाथ में, देखते हैं लेके चलते हैं इसको ठीक कराते हैं, देखते हैं कितना क्या खर्चा वर्चा, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, जो भी होगा आप लोगों को अपडेट देता हूँ, फिलहाल चलते हैं। तो यार बाइक ले आए हैं, और बाइक का हाल आप लोग देख सकते हो अभी फ़िलहाल क्या हो रखा है, पूरी ओपन हो रखी है, पता नहीं लग रहा है कैसे क्या स्टार्ट नहीं हो रही है किस वजह से, फिलहाल करवा रहे हैं अभी इसका टंकी खाली करवाएंगे, लग रहा है फ्यूल पंप में कुछ दिक्कत आ रही है, पेट्रोल ढंग से ना पास नहीं हो रहा है, तो देखते हैं जो भी है करवा रहे हैं यार। बाकी ये अपनी बाइक की गैस टूटे हुए पार्ट्स बॉडी पड़ी है, तो यार फाइनली बाइक हो चुकी है भाई अपनी, ठीक होकर आ गई है, बाकी इसका जो ये प्लास्टिक व्लास्टिक ये सारा टूटा हुआ है ये मैंने बैग में रख लिया है, और निकलते हैं यार, थैंक्स टू भैया, भैया का कैफे है ये वाला, भैया पता नहीं कहाँ गए, बाकी हम निकलते हैं अब यहाँ से वापस ले के लिए, प्लान तो हमारा तुर्क हो के वापस जाने का था, बट अब निकलते हैं, और तो कुछ है नहीं क्योंकि बाइक में ना यार अब चलाने का मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हो चुका है ना, देखते जो भी। हेलो दोस्तों, फ़िलहाल हूँ मैं लेह में, और अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ यार हुआ क्या था। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डिस्किट पहुँच गए थे रात को, और उसके बाद मेरे कैमरे की बैटरी वैटरी लो गई, तो मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान था तुरतुक निकलने का, और हम लोग निकले तुरतुक के लिए, और रास्ते में जाते जाते भाई हमारा हुआ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट क्या हुआ भाई, गोप्रो आपको पता था लाइक पहले वीडियो में आप देख चुके थे, हमारा कैमरा जो माउंट था वो टूट चुका था, तो मोटो ब्लॉग में कर नहीं रहा था, और एल्स
सब कुछ आपके सामने आता। तो भाई सीन हुआ, हम लोग निकल रहे थे और दो जो ड्रम्स होते हैं ना आर्मी के, दो इस साइड थे और दो इस साइड में, तो हमें निकलना था, मतलब दो इस साइड थे और दो इस साइड, समझ रहे हो, ऐसे था। तो हम यहाँ से जब निकल रहे थे ना ऐसे करके, तो हमसे पहले भाई एक गाड़ी वाला आया और उसने एकदम से निकाली खींच की, हमारी हुई डिस्बैलेंस और हम घुस गए जाके उन ड्रम्स में जो आर्मी वालों के लगे हुए थे। तो उसके बाद भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ, वो तो गाड़ी वाला निकल गया, हमने बाइक बाइक उठाई, बाइक में गए, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था, बॉडी टूट गई थी और क्लच क्लच जो आगे हैंडल वैंडल का होता है ना वो सब मुड़ गया था। तो ऑप्शन था नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही थी हमारी बाइक और वहाँ कोई था भी नहीं, तो हमने टोइंग मैन वगैरह मंगाई, जैसा आप लोगों ने देखा वीडियो में भाई सब कुछ आपके सामने था। टोइंग मैन मंगाई, लेके गए, ठीक करवाई बाइक, बाइक को ठीक होते होते ऑलमोस्ट गाइस 4 बज चुके थे। 4 बजे के बाद हमारा जो प्लान था तुरतुक और पैंगोंग जाने का, वो तो यार कैंसिल हो चुका था, क्योंकि बाइक को मैं ऐसी हालात में कहाँ ही ले जाता, क्योंकि जो ठीक हुई थी ना वो बस जुगाड़ पर ही हुई थी लगा लो। तो सीन यही था भाई, हम जा नहीं सकते थे, तो रात को मैंने बाइक उठाई और मैं आ गया वापस पैंगोंग, फिलहाल हूँ मैं मतलब वापस आ गया ले, फिलहाल हूँ मैं ले वाले अपने जगह पर जहाँ पर हमारा सामान था, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा जहाँ पर हम रुके थे, तो वहाँ आ चुका हूँ। फिलहाल पैर में भी लगी हुई है और बाइक की भी ऐसी कोई हालात नहीं है ऐसे ढंग के कि उसको मैं आगे कंटिन्यू लेके जाऊँ। तो यार मेरे ना फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि जो अपना लास्ट पॉइंट ही रह गया वैसे तो पैंगोंग लेक, वो करने के लिए मेरे को जाना चाहिए या नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ। तो सीन आप लोगों के सामने था यही है, बाकी एक टाइप तो यार दिमाग में ये भी आ रहा है कि अपनी राइड को कैंसिल किया जाए और वापस निकला जाए दिल्ली, क्योंकि बाइक भाई बहुत ज़्यादा टूट टाट गई है, उसको भी जाके ठीक करवाना पड़ेगा। और एक साइड माइंड में आ रहा है कि नहीं यार हटा, पैंगोंग है लास्ट अपनी डेस्टिनेशन बची है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं, बाइक से लेके निकलते हैं। तो समझ नहीं आ रहा, फिलहाल यही हूँ, आज मैं ले में ही था, कल रात को मतलब ले आ चुके थे, आज स्टे कर रहा हूँ, सुबह से लेट आई हूँ, आराम कर रहा था क्योंकि पैर में भाई ये जो मतलब लगी इतनी नहीं है, देखा जाए तो हाथ पैर में हल्की फुल्की लगी है, बट ये जो लेग है ना ये नहीं मूव कर रहा और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पेन है, तो इसका तो चल जाएगा। बाकी अगर मैं ले पैंगोंग निकलने की सोचता हूँ तो मैं कल ही निकल सकता हूँ मॉर्निंग में, और फिर मतलब मेरे को कल पैंगोंग के लिए भी पूरा दिन चाहिए, और यार बाइक के हालात नहीं है तो मतलब ना माइंड अभी चल ही नहीं रहा है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता लग जाएगा, आप लोग सजेस्ट करना क्या मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइक के हालात आपके सामने यार दिखा दिया मैंने कितनी बुरी हालात थी और कैसे ठीक करवा के, मेरे को पता है मेरे को यहाँ से दिल्ली भी जाना है बाइक लेके, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि रास्ते में ना मतलब पैंगोंग का रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है, अपनी बाइक को कुछ हुआ ना तो यार मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा बहुत एक्सपेंस वैसे भी हो चुका है इस ट्रिप पर, तो और जब स्टे बढ़ते हैं ना तो यार दिक्कत और भी होती है, तो अभी यार समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या करता हूँ, जो भी होगा आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। बाकी यार चैनल को सपोर्ट करो और जो अपनी लद्दाख की सीरीज है पूरी वो देखो, शेयर करो और सपोर्ट करो यार, बस यही था कि अपना देखो था तो सही कि 100K पूरे हो जाए, मतलब वो तो उम्मीद रहती है यार, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियोज़ में, और देखते हैं जैसे भी कल अगर मैं जाता हूँ पैंगोंग तो आपके सामने ही है, अगर हम दिल्ली निकलेंगे तो भी आपके सामने ही है, जो भी होगा बने रहो ब्लॉग्स में, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चलो गाइस बाय बाय।